जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों, हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट हुआ है चैप्टर, और इससे मैंने फर्स्ट ही आपको स्टार्ट किया एनी डिजिट का टॉपिक, ये मैंने कवर किया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे, सीखे होंगे कुछ ना कुछ। और साथ ही साथ मैं आज आपके लेके चल रहा हूँ, सेकेंड टॉपिक हमारा होगा रिमाइंडर थ्योरम, इसको बोलते हैं सिसफल प्रमेय। आप यहाँ नोट कर लेंगे, सिसफल प्रमेय। तो दोस्तों, सिसफल किसे कहते हैं, सिसफल होता क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। और आराम आराम से, एकदम शुरुआत से, एकदम बेसिक से जो होता है ना दोस्तों, मैं वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। आराम से वीडियो में इस शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत कुछ सीखने का यहाँ मौका मिलने वाला है, तो नई नई चीज़ आप सीखेंगे। तो सिसफल किसे कहते हैं, सिसफल होता क्या है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं आपको शुरुआत से इसका लेके चलने का प्रयास करूँगा। तो टॉपिक का नाम होगा हमारा आज का रिमाइंडर थ्योरम, किसके अंतर्गत में आता है, तो याद रखिएगा नंबर सिस्टम के अंतर्गत में आता है, सेकंड टॉपिक हमारा आज का रहेगा। तो हेडिंग लाएंगे सभी बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर, रिमाइंडर कहने से आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि यह सिसफल को बोलते हैं हम लोग, सिसफल, ध्यान दीजिएगा, सिसफल, सिसफल। सिसफल होता क्या है, जैसे अगर आप बात करते हैं, आ जाइए, इसे मान लीजिए 9 ले लिए, तो 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 चौके 8, कितना बनेगा 1, तो जो 1 बचा इसी को तो हम लोग सिसफल बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, यही हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यह रिमाइंडर को हमें ध्यान रखना है कि यह हमें रिमाइंडर पकड़ना है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 15 ले लिए, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 दिया 12, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 3, तो यह 3 हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का मतलब हमें बहुत अच्छे से मालूम चल गया होगा कि रिमाइंडर किस प्रकार से हम मेंशन करते हैं। अक्सर जब मैं इसका यूज़ करता हूँ दोस्तों, तो ऐसे यूज़ करता हूँ फ्रैक्शन में कि 4 और 1/2, ये इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पर 3/3/4। दोस्तों जो रिमाइंडर आता है, हमेशा रिमाइंडर का जो स्थान है ये वाला होता है, यहाँ पर जो रिमाइंडर है ये वाला है। ये 3 कौन सा होता है दोस्तों, भागफल जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन, वो हमेशा आगे रहता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात जरूर समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर हो गया आपका भाज्य, इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया हमारा भाजक, डिवाइजर, और ये हो गया हमारा भागफल, भागफल यानी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोशेंट, और ये हो गया हमारा सिसफल, सिसफल। तो आपने देखा होगा कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस सिसफल, यह आपने बचपन में पढ़ा होगा, सिसफल। इंग्लिश में लिखना चाहे तो नोट कर सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यह चीज आप यहां समझ लीजिए कि देखो जी, अगर 9 लाना है तो 9 कैसे लाएंगे, तो इस 2 में 4 से गुना करेंगे 8 होगा, और रिमाइंडर को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। उसी प्रकार से अगर मैं गुना करूं 4 3 12, इसको गुना करेंगे हम लोग, और जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 4 3 12 और 3 15 होता है, तब उससे हम लोग कहते हैं भाज्य। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग अगर रिमाइंडर पढ़ रहे हैं तो दोस्तों रिमाइंडर में हमें क्या क्या सीखना है। तो बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि डिवाइड करने के फलस्वरूप जो नीचे शेष बचता है उसी को रिमाइंडर के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर यह कहूँ 15/ मान लीजिए 7 ले लेता हूँ यहाँ पर सपोज, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 × 14 कितना बचेगा रिमाइंडर, 1 बचेगा। जनरली अधिकतर हम लोग यही समझते हैं। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, 9 का डिवाइड करता हूँ मान लीजिए सपोज 4 से, तो 4 × 8 कितना बचा रिमाइंडर, 1 बचे, तो 1 को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर कहते हैं। लेकिन बात नहीं, सुनिएगा ध्यान से, लेकिन दोस्तों ये माइंड में सेट कर लो कि रिमाइंडर आपको 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं। रिमाइंडर आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, पहला आपका पॉजिटिव, जो आप अभी तक आपने यूज करते आ रहे हैं, इसका यूज आप किए हुए हैं अभी तक, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में लाने के लिए, रिमाइंडर को हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर दोस्तों मैं आपसे यह कहता हूं
अब बोलेंगे सर हम लोग आज तक रिमाइंडर मैंने माइनस में यूज ही नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ पर लाइन बने रहिएगा, है ना। जैसे कस्टमर केयर को जब कॉल करते होंगे तो बोलता है ना लाइन में बने रहिए, मैं आपको कुछ देर में आपको समस्या का समाधान करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों लाइन पर बने रहिएगा। देखो 15 एक संख्या हुआ है ना, और आपको क्या करना है, सोचना है थोड़ा सा, आपको ये सोचना है दोस्तों कि 15 से छोटी संख्या वह कौन सी है। सुन अभी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 15 से छोटी संख्या वह कौन सी है जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 14। तो 14 से कितना बड़ा हो गया, 1, तो प्लस 1, जो बड़ा है वही आपका इसका रिमाइंडर कहलाएगा। अगर मैं कहूं कि 15 से एग्जैक्ट बड़ी संख्या बताइए जो 7 से पूर्णतः डिविजिबल है, हाँ जी 21, तो छोटा कितना है बाबू यहां से 6 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, रिमाइंडर हमारे पास 1 भी हुआ और हमारे पास रिमाइंडर -6 भी हुआ, मैं दोनों का इस्तेमाल कर सकता हूं, ये दोनों ही रिमाइंडर हमारे लिए है। बोलचाल की भाषा में हम लोग रिमाइंडर हमेशा यूज करते हैं प्लस में, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो रिमाइंडर को माइनस में भी लिया जा सकता है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप समझिए एटलीस्ट कि माइनस में हम लोग कैसे ले सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि इन दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन करते हैं माइनस प्लस सिंबल को छोड़कर, माइनस प्लस सिंबल आपका यह शो करता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो उसको मैं एक साइड करता हूं और सिर्फ डिजिट को जोड़ता हूं, 6 और 1 कितना होगा 7, तो 7 आपको नीचे दिखाई देगा। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं, मान लीजिए 15 ले लिया, ठीक है बाबू, या 15 तो मैंने लिया है, मैंने सपोज यहां पर 35 ले लिया, डिवाइड कर रहा हूं 8 से। अब मैं आपसे यह कहूंगा कि 35 से एग्जैक्ट छोटी संख्या बताइए जो कि 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो क्या बोलेंगे 32, तो 32 से कितनी बड़ी है 3, तो आप यहां पर करेंगे प्लस 3, बड़ी है तो प्लस 3। 35 से बड़ी संख्या बताइए जो 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, 40, छोटा कितना हो गया -5, तो छोटा हो गया तो माइनस में, बड़ा है तो प्लस में, बात समझ मेरी बात को। तो देखिए इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं 3 और 5 कितना आएगा 8, कोई समस्या। अब ये मुझे बार बार यह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 75 और डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, तो आप ये कौन बड़ा कौन छोटा उतना मत सोचिए, बस 8 9 72 कर दिए, 8 9 72, तो 72 कर देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 72 से कितना ज्यादा है प्लस 3, तो यह अगर प्लस 3 तो यह -5 होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि 3 और 5 दोनों का सम यह 8 होता है। माइंड में एकदम रैंडमली दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जैसे मैंने सपोज लिया 65 करो, मैं डिवाइड करता हूँ सपोज 9 से, तो 9 का टेबल आपको याद है 963 अगर मैं लेता हूँ दोस्तों तो यह हो गया कितना +2, 63 2 65 में होगा जी आपका, 63 में 2 जोड़ेंगे तो 65 होगा, बात समझे मेरी बात को, तो 2 अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, चूंकि दोनों का सम यहाँ पर आना चाहिए। क्या कुछ दिमाग में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि दोनों का सम जब बात करते हैं माइनस प्लस सिंबल को एक साइड कर दीजिए, मतलब माइनस प्लस सिंबल यह दर्शाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, माइनस प्लस सिंबल सिर्फ यह दर्शाता है कौन बड़ा और कौन छोटा है, सिर्फ डिजिट को जो ऐड कीजिएगा 2 और 7 9। अगर मैं सपोज यहाँ पर ले लिया सपोज 99 ले लिया और मैंने यहाँ पर लिया 12 से मुझे डिवाइड करनी है, 12 से डिवाइड करनी है, तो 12 के टेबल में आप ये देखो 12 बट 96 प्लस 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -9, तब ना 3 और 9 करेंगे तो 112 होगा जी यहाँ पर, कोई समस्या किसी बच्चे को। तो मेरे प्यारे साथियों रिमाइंडर हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं और ये दोनों तरीका आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो जी आप करना क्या कि जब भी क्वेश्चन में फाइनल रिजल्ट दोगे, आप ध्यान सुनिएगा, जब भी क्वेश्चन में क्वेश्चन का जब आंसर फाइनल रिजल्ट के रूप में देते हैं तो हमेशा और हमेशा रिमाइंडर प्लस में होना चाहिए हमेशा। लेकिन जब उसका कैलकुलेशन के लिए माध्यम से कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो रिमाइंडर को माइनस में लीजिए और आंसर को जल्दी लाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना है 3 है, कितना है दोस्तों 3 है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि सर रिमाइंडर हम -9 नहीं ले सकते हैं, लीजिए, लेकिन माइनस में सिर्फ बोलने के लिए है, लिखने के लिए अगर आप बात करते हैं तो हम लोग -9 रिमाइंडर ग्रुप में नहीं मेंशन कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए दोस्तों हम लोग को, तो जो संख्या है यह
जो संख्या है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसी को क्या कर दो, लास्ट में ऐड कर दो। 12 माइनस 9 कितना आएगा, 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, रिमाइंडर यहाँ पर कितना है, 2 है, प्लस 2 वाला आपका रिमाइंडर कहलाएगा। लेकिन अगर माइनस अगर लेके चल रहे हैं हम लोग, ये माइनस लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर से हम घटा देंगे, 9 में से 7 घटा दो, कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पर देखो 2 रिमाइंडर है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिएगा, रिमाइंडर जो प्लस में आ रहा है उसको कोई चेंज नहीं करना, प्लस में है भाई प्लस में रहने दो उसको। लेकिन जो माइनस वाला है तो माइनस में हम लोग मेंशन नहीं कर सकते, आंसर फाइनल चाहिए होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 में से 6 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अर्थात माइनस 6 प्लस 7 कर दो, कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब यहाँ भी देखेंगे 8 माइनस 5, यानी कि इसका मतलब ये माइनस 5 प्लस 8 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ 3 है कि नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी संख्या अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 69 और डिवाइड करता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, तो इसका प्लस रिमाइंडर कितना आएगा। प्लस रिमाइंडर कहने मतलब क्या हुआ कि 7 9 63 6 आएगा, प्लस 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब जो प्लस में आ गया वो आपका फाइनल आंसर है, 6 आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर माइनस वाला लेकर बनाइए, तो माइनस वाला लेकर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो संख्या जिसे आप डिवाइड करते हैं उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 7 माइनस है कितना बनेगा, 6, दोनों समान आया कि नहीं है। मैं ये चीज़ आपको समझाना बहुत, मैं देखिए मेरी पूरी प्रयास होती है कि देखो चीज़ें शुरुआत छोटी छोटी से होनी चाहिए, तब जाके बड़ी बड़ी चीज़ें आप यहाँ पर काम कर पा रहे होंगे। अब अगर छोटी चीज़ क्लियर नहीं रही है, नहीं रहेगा, तो चीज़ आगे चल के अगर बड़ा होने वाला है तो फिर आपको मुश्किल हो सकता है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको काम करने आना चाहिए। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिया 25 और मैंने यहाँ पर ले लिया 8, ठीक है बाबू, इसका रिमाइंडर बताइए बच्चे कितने कितने आएगा, इसका 8 3 24, अरे 20 तक पढ़ गया था सब बच्चा को, 8 3 24 यानी कि प्लस 1, तो ये प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 7। सिर्फ एक पता करो ना, एक पता करो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना है, प्लस 1, ये जो प्लस 1 आया वो आपका आंसर आया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सर माइनस 1 लेकर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 7 यहाँ पर ले लीजिए और प्लस 8 को उसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 आया कि नहीं आया रिमाइंडर, प्लस 1। तो यह चीज़ क्लियर हुआ सब बच्चों को, बोलिए हाँ है ना। ये हमारा फर्स्ट चीज था जो आपने समझ की। लेकिन अगर दोस्तों यहां पर सपोज ऐसे रहेगा, ऊपर में 2 दिया है और नीचे 9 दिया है, अब मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर मैं 2 को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने आपसे यह बोला कि मुझे 2 को डिवाइड करनी है 9 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बताइए। खैर कोई नहीं, समझिएगा ध्यान से। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि 2 से छोटी संख्या वह कौन सी है, 2 से छोटी संख्या वह कौन सी है जो 9 से एक्जैक्टली डिविजिबल है, तो 0। वेरी गुड, क्योंकि 2 के नीचे यानी 0 दुनिया के किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो पूर्णतः डिवाइड होता। पूर्णतः डिवाइड मतलब क्या होता मालूम, जैसे मान लीजिए 15 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से बाबू, तो 5 3 15, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, तो समझिए कि वह पूर्णतः डिवाइड है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करता हूँ सपोज यहाँ पर 35 को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो 7 5 35, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तभी ना मैं कह पाता हूँ कि यह संख्या पूर्णतः डिविजिबल है। उसी प्रकार से 0 दुनिया किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो पूर्णतः डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि 9 से मुझे डिवाइड करनी है, 9 का पाड़ा पढ़ेंगे 0 बार तो कितना आएगा, 9 × 0 0 और 0 − 0 यानी कि 0। मतलब किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो एक्जैक्टली डिविजिबल होगा 0। तो मैं अगर आपसे यह कहूं कि 2 से छोटी संख्या वह कौन सी है जो 9 से एक्जैक्टली डिविजिबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, 0। तो 0 से कितनी बड़ी है, प्लस टू यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7, तब ना 2 और 7 9 होगा, तो इसका रिमाइंडर यह कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर रिमाइंडर माइनस यूज करने जाऊँ तो -7 लिख दीजिए और जो 9 से डिवाइड किया उसको जोड़ दीजिए, 9 − 7 कितना आ गया, 2 आया कि नहीं दोनों सेम। तो जब भी ऊपर में अगर छोटा वैल्यू रहे, ध्यान सुनना है, माइंड को शेड करना, जब भी ऊपर में यानी फ्रैक्शंस के ऊपर में अगर छोटा वैल्यू रहे नॉमिनेटर ग्रुप में,
तो रिमाइंडर हमेशा वही रह जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सपोज ले लेता हूँ, मैं डिवाइड करता हूँ, एक को डिवाइड करता हूँ 8 से, मैं पूछूंगा इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऊपर में छोटा वैल्यू है, अगर रिमाइंडर वही रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन के ठीक ऊपर यानी कि बटा के जो ऊपर वाला वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए 15 बटे में यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज 4 या 7 ले लेते, 7 × 14, रिमाइंडर 1 बचा। तो जो हम लोग इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 × 1/7। तो ये जो 1/7 है, 1/7, यह 1 क्या है, रिमाइंडर है। 1 क्या है, रिमाइंडर है, यानी कि मैंने 7 से डिवाइड किया, 1 क्या है, रिमाइंडर है। मेरी बात को, तो रिमाइंडर हमेशा जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उस संख्या से हमेशा छोटा ही आना चाहिए। बात समझे मेरी बात को। अब बताइए कि 15 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो 7 × 1 = 7, यहाँ कितना बच जाएगा, 8। बात समझे मेरी बात को, यहाँ कितना बच जाएगा, 8। तो ये सही प्रॉपर तरीका नहीं है। रिमाइंडर हमेशा जिससे डिवाइड करते उसे क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। यानी कि हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं स्कूलिंग में, तो मास्टर घुमा कर 1 हाथ देते हैं, नहीं 2 बार भाग जाएगा आपको। 2 बार भाग क्यों जाएगा, इसलिए कि चूंकि अगर 2 बार भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा उससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। हम लोग को बच्चों बचपन में सिखाया गया है, कोई गलत चीज़ नहीं सिखाया गया, लेकिन हाँ क्यों, रीजन क्या था इसका, प्रॉपर वजह क्या था, यह मुझे नहीं बताया गया हम लोग को, लेकिन वास्तव में जो भी सिखाया गया वो चीज़ें बहुत अच्छी से सिखाई गई है। तो उसका देखो अभी जरूरत पड़ रहा है आप लोगों को। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे साथियों, जब भी फ्रैक्शन यानी बटा के ऊपर में अगर छोटा वैल्यू रहे तो डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिंपली वही उसका रिमाइंडर होगा जो आपको ऊपर मेंशन होता है वैल्यू। सपोज यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया, 3 को डिवाइड करना मुझे 17 से, रिमाइंडर कितना आ गया इसका, 3। वेरी गुड, चूंकि 3 छोटा आ गया तो रिमाइंडर 3 आ गया। यहाँ पर हम पूछेंगे कि 3 से छोटी संख्या वह कौन सी है जो 17 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे 0। तो 0 से कितनी बड़ी हो गई, +3। तो +3 पर कितना हो जाएगा, -14। तो रिमाइंडर आप अगर -14 ले रहे हैं तो -14 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में आंसर फाइनल मत दीजिए। क्या करना पड़ेगा, फिर 17 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 17 - 14 कितना बनेगा, 3। दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो यह कॉन्सेप्ट मेरा सेकंड था। फर्स्ट मैंने बताया प्लस माइनस कैसे मैं लेता हूँ, सेकंड मैंने बताया आपको क्या कि जब अगर फ्रैक्शंस के ऊपर में यानी बटा के ऊपर में जो वैल्यू छोटा रहेगा तो उस केस में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर वही वैल्यू होगा जो आपका छोटा चीज मेंशन रहेगा। कोई डाउट किसी बच्चे को, थर्ड चीज समझिएगा। थर्ड मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, अगर सपोज मैंने यहां पर आपसे यह कह दिया -35/8, कोई संख्या ऐसी होंगी जो माइनस के साथ सिंबल लगा होगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब मुझे बताना इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो जब भी इस प्रकार की संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो, देखो चीजें हमें बहुत दूर तक सफर करनी है। रिमाइंडर थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा के एकदम आपको पूछेगा, है ना। और यह पूछेगा तो बेसिक चीज अगर क्लियर नहीं रहेगा तो मैं सिंपली अगर क्वेश्चन पर लेकर चलो, मेरे पास पीपीटी बना हुआ, मैं चाहूँगा तो क्वेश्चन पीपीटी के माध्यम से करवा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी कोई ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ भी, अगर छोटा मोटा पार्टी जैसे मान लीजिए घर में नॉन वेज पार्टी स्टार्ट करना है, तो पहले ये देखना पड़ता है कि हमारे पास प्याज है कि नहीं, लहसुन है कि नहीं, मसाला है कि नहीं। पहले छोटे छोटे चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं, है ना, है ना, टमाटर है कि नहीं, तब जाकर उसके बाद हम लाते हैं ओरिजिनल चीज़। तो उसी प्रकार से ओरिजिनल चीज़ आने वाला जरूर है, लेकिन हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि छोटे छोटे चीज़ों पर आपको काम करने आता है कि नहीं। ये सब चीज़ें इतना बारीकी से अगर काम की रहेंगे तो बड़ा बड़ा चीज़ आप बहुत आसानी से यहाँ पर काम कर पा रहे होंगे। तो मेरा कहने मतलब यह हुआ कि अगर आप 35 को डिवाइड करते हैं 8 से, ठीक है दोस्तों, 35 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो आप ये समझिए कि जब भी डिवाइड कर रहे होंगे तो डिवाइड करने के दरमियान में आपको माइनस को ध्यान ही नहीं देना है, उसे क्या करना है, इग्नोर करना है। इग्नोर करने आपसे बेटर कौन समझ सकता है, है ना, आप लोगों को तो अच्छा से आता होगा। तो इग्नोर करने मतलब क्या हुआ कि मैंने सामने देख रहा हूँ फलाना व्यक्ति, जैसे पार्टी में देखते होंगे जब किसी व्यक्ति को इग्नोर करना है तो सामने प्लेट में लेके खा रहे होते हैं, लेकिन देखते हैं कि बगल में है, इधर हो जाते हैं, है ना, इधर मुड़ जाते हैं, एक्चुअली वो क्या है, इग्नोर ही है। तो उसी प्रकार से देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ, लेकिन माइनस को हमें ध्यान ही नहीं देना है कि माइनस लगा हुआ है, ठीक है बाबू। कभी इग्नोर किया किसी को, नहीं, बहुत करना चाहिए ना, बहुत लोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करें, माइनस अगर लगा हुआ है तो माइनस को
इग्नोर कर दीजिए, सोच भी मत कीजिए कि माइनस लगा हुआ है। तब हम क्या करेंगे कि 35 से छोटी संख्या वह कौन सी है जो 8 से एक चेक डिवाइड होगी? 32। वेरी गुड। तो 32 से कितना बड़ा बाबू यहां पर? +3। तो +3 यहां पर क्या हो जाएगा? -5। काम कर लिया। जब काम हो गया तब ध्यान दे रहे, अच्छा अच्छा ओहो माइनस बगल में था, अच्छा हम ध्यान नहीं दिए, अब हम उसको ध्यान दे रहे हैं। तो अब सोचिएगा दोस्तों रिमाइंडर कितना आएगा। तो अब मैं माइनस का इस्तेमाल करूंगा तो माइनस से गुना करेंगे प्लस में, कितना आएगा? -3। और यहाँ पर माइनस से गुना करूंगा माइनस में, कितना आएगा? +5। यानी रिमाइंडर +5 ही होगा। जो प्लस में है वही आंसर आया, लेकिन जो माइनस में आया वो भी तो आंसर है, लेकिन उसको प्लस में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब माइनस को प्लस में कैसे करेंगे? तो मैं जिससे डिवाइड करता हूँ उसी को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? ऐड कर देता हूँ। दोनों बराबर आया कि नहीं आया? अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, बेसिक चीजें हैं आपको ध्यान में। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, सपोज 65 माइनस में 9 ले लिया आपने, 65 मुझे 9 से डिवाइड करनी है सपोज, तो हम क्या करेंगे कि 65 से ये देखेंगे कि 65 छोटी संख्या वह कौन सी है जो 9 से एक चेक डिवाइड हो रही है? 63। तो 60 माइनस को भी ध्यान नहीं देना, माइनस को क्या करना, हम लोगों को इग्नोर करना है। 63 तो 63 से कितने बड़ा हो गया? +2। तो +2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? -7। क्यों? क्योंकि दोनों का सम यह होता है। अब हम ध्यान देंगे, अच्छा अच्छा माइनस लगा हुआ था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर जो आएगा वो +7 ही होगा। इसका जो आंसर जो होगा दोस्तों वह क्या होगा? +7 होगा। लेकिन अगर माइनस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर 9 को ऐड कर दीजिए, 9 माइनस 2 कितना बनेगा? 7। आया कि नहीं आया चीज? तो इस प्रकार से कभी भी अगर सिंबल माइनस के रूप में अगर इस्तेमाल किया हुआ है तो आप आराम से यहाँ पर काम को कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई सभी बच्चों को? स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। मैं अभी आपको मिटाने रहा हूँ, आराम से आप स्लाइड इसका मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद समझिएगा यहाँ पर, जैसे अब मैं चाहूँगा कि आप लोग बताना दोस्तों, मान लीजिए सपोज यहाँ पर 35 को मुझे डिवाइड करना है 14 से, ये मेरा थर्ड कॉन्सेप्ट होगा। इस पर 35 को डिवाइड करना है 14 से, अब बोलेंगे सर ये तो फर्स्ट ही वाला जैसा लग रहा है, इसमें क्या फर्क है? फर्क है, फर्क आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन दोस्तों फर्क है। फर्क क्या है मैं समझाता हूँ। 35 को अगर 14 से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो मैं पूछूंगा आपसे क्या कि 35 से छोटी संख्या वो बताइए जो 14 से पूर्णतः डिवाइड है? 28। वेरी गुड। तो 28 से कितनी बड़ी हो गई? 7। तो अगर ये +7 या क्या हो जाएगा? -7, चूंकि दोनों का सम यह होता है। क्लियर है? तो दोस्तों इसका रिमाइंडर मुझे पता चल गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 7 हो गया। अगर मैं -7 लेके चलूं तो कोई दिक्कत नहीं, 14 क्या करना पड़ेगा मुझे? ऐड करना पड़ेगा। रिमाइंडर यानी एनी हाउ आपका क्या आने वाला है? 7 ही आएगा। क्या अब मैं इस चीज को, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैथ में थोड़ा जानकारी है, तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि 35/14 अगर 14 है तो मैं इसको सिंपलीफाई भी तो कर सकता हूँ। सिंपलीफाई कहने मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 7 से कट करूँ तो 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, यानी कि मैं इसे 5/2 भी तो कह सकता हूँ। बोलो है ना? जैसे कि आपने यहाँ पर संख्या अगर देखा ही है, 35/ में क्या था आपका? 14 था। यह 35/ में 14 देखा। अगर मैं इसको छोटा करूँ, 7 से कटूँ तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? दोनों बराबर है कि नहीं है? नहीं बोल रहे बच्चे लोग, ये दोनों बराबर है ना बाबू लोग? ये बराबर है। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया मेरा? 7 आया है। लेकिन अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा का? तब उस केस में रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। जब इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है तो रिमाइंडर तो सेम ही आना चाहिए, फिर अलग कैसे आ गया? और कोई बच्चा ये कह दे कि नहीं सर आप इतना चीज को इतना नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप मना भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि प्यारे साथियों, जब भी किसी प्रकार की संख्या को अगर आप डिवाइड कर दिए या सिंपलीफाई कर दिए, तो जितना से आप सिंपलीफाई किए रहते हैं
लास्ट में उतना से हमें क्या करना होता है, उसमें गुना करना होता है। ये माइंड में आप सेट कर लो, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं को काम करने के क्रम में आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आपको हेल्प आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने याद रखो कि मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि 35 बाई में यह था, तो हमने इसको 7 से कट किया था, है ना बाबू। 7 × 35 और 7 × 14, तब हमारा कितना आया था, 5/2 आया था। याद रखना मैंने कट कितना से किया है, 7 से किया है। अब हम 5 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो जितना से हम सिंप्लीफाई किए हुए रहेंगे, जितना से हम सिंप्लीफाई किए हुए रहेंगे, उतना से हम लास्ट में क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। यानी रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 7 आएगा। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। सपोज यहाँ पर समझिएगा, 49 बाई में मैंने लिया 21। सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है दोस्तों, ये ले लिया। अब इसको डिवाइड करना है। तो देखो जी, अब मैं आपसे यह कहता हूँ कि 49 से छोटी संख्या वह कौन सी है जो 21 से एक जगह डिवाइड होगा, 42। तो 42 से कितना बड़ा हो गया, +7। तो +7 दिया क्या हो जाएगा, -14। यानी रिमाइंडर यहाँ पर क्या आने वाला दोस्तों, +7। यह तो फिक्स हो गया। अब माइनस लेकर बोलना चाहते हैं तो 21 − 14 करेंगे, साथ ही आएगा। लेकिन अगर मैं 49/21 को छोटा करने जाऊं, तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि 7 × 49 और 70 × 21। मैंने कट कितना से किया हूं, 7 से मैं कट कर रहा हूं, कहां आना। तो अब मेरे पास क्या आ गया, 7/3 आ गया। जब 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 6, रिमाइंडर कितना बनेगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब रिमाइंडर जैसे ही 1 आया तो 1 आंसर नहीं मार सकते, जितना से मैंने इसको छोटा किया है लास्ट में क्या करना पड़ेगा, उतना से गुना करना पड़ेगा। मैंने कितना से कट किया था, 7 से, लास्ट में हमें 7 से गुना करेंगे तो रिमाइंडर 7 ही आएगा। देखो दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो यह छोटे छोटे चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बाबू ये सब आपका काम आने वाला है, आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी करके न चले, याद रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा और याद दिलाते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं, सपोज हम लोग 50 ले लेते हैं, 50 ले लिए और यहां पर हम लोग 20 ले लिए, ठीक है दोस्तों, 50 और 20। तो अगर मैं 50 को 20 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर कितना आएगा, 20 × 40, 10 बनेगा, है ना। अब 50 को 20 से डिवाइड करना है, क्या मैं इसको 5/2 कर सकता हूँ क्या। अब 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 हमारा आंसर नहीं मारेंगे, जितना से मैंने इसको कट किया, कितना से कट किया है, 10 से कट किया है, तो 10 से क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। कुछ 2-4-5% इंटर माइंड में कुछ भी नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, वेरी गुड। बस दिमाग का जो ब्लूटूथ होता है ना उसको ऑन रखना, बाकी इधर से फाइल ट्रांसफर मैं कर रहा हूँ, है ना। ईमानदारी पूर्वक आप भी समझने का प्रयास करना। तो यह था कुछ विशेष बातें जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को समझ जरूर पा रहे होंगे, ठीक है। अब रही बात कि इसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे, यह एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो मैंने बेसिक आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल आप एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बेटर बनाने के लिए आपको क्या अप्रोच लगानी चाहिए, मैं उस पर अभी आपको लेकर चलने का प्रयास करूँगा। समझना ध्यान से दोस्तों, जैसे मैंने कोई संख्या उठाता हूँ, सपोज यहाँ पर 65 × 69 / 7। समझिएगा ध्यान से आप लोग, यह मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड पार्ट मेरा अब स्टार्ट हुआ है। सेकेंड पार्ट आपको मैं बोलते हैं इसको, इस सेकेंड पार्ट हमारा स्टार्ट हुआ। अब इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको देते हैं और मैं कहता हूं कि आप इसका रिमाइंडर निकालो, इसका रिमाइंडर निकालो, तो मेरे प्यारे साथियों आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा, सपोज मान लीजिए इतना आ गया, है ना, उसको क्या करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो काफ़ी हमें लगता है वह पेचीदा बना देगा। तो आपको एग्जाम में इतना न करना पड़े, इतना कैलकुलेशन गुना भाग ना करना पड़े, उसके लिए मुझे क्या अप्रोच लगानी है, तो मैं उन्हीं सब बातों पर चर्चा करने का प्रयास करूँगा। और जिनवनली जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, समय कम लेके काम कर सकता है, मैं उसी पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो रिमाइंडर आपके दिमाग में एट ए टाइम जो भी क्लिक करे, प्लस माइनस डजंट मैटर, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 4 स्टेप में मैं समझाने जा रहा हूं इस प्रश्न को। प्लस प्लस लेता हूं, फिर माइनस माइनस लूंगा, फिर प्लस माइनस, और लास्ट में माइनस प्लस। इसलिए मैं ले रहा हूं
ताकि आपको जब काम करने का मौका मिले तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बिल्कुल बिना छूटे, चाहे प्लस माइनस माइनस प्लस किसी प्रकार का काम करते हैं, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए और हर एक दृष्टिकोण से इसका जो आंसर आएगा वह सेम ही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग लेके चलते हैं आपको यहां पर। जैसे मैं अगर 7 से डिवाइड करता हूं इसको, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं, कितना से बाबू 7 से डिवाइड किया तो 65 पर डिवाइड करना है, तो हम आपसे यह कहेंगे कि 65 से छोटी संख्या वह कौन सी है जो 7 से एक जग डिवाइड होगा। बोलने का प्रयास करो, गलत या सही जब बोलेंगे तो आपको लगेगा कि मैथ सब सीख रहे हैं। बोलने का प्रयास कीजिए, 65 से छोटी संख्या वह कौन सी है जो 7 से एक जग डिवाइड होगा। 63। तो 63 से कितना बड़ा हो गया, दोनों बड़ा है बाबू, दो बड़ा है। अब ये दो है तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, वेरी गुड, माइनस 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 तब जाकर 7 बनेगा। अब यहां पर आ जाइए, 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूं 7 से, 7 9 63 कितना 6, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, यह हमारा अप्रोच हो गया, यानी कि मैंने यहां पर दिखाने का यह प्रयास किया कि यह संख्या में हम चार तरीके से देखो, 1 2 3 4 चार है। तो अगर मैं फर्स्ट इसका केस बनाऊं तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता कि 65 × 69/7 फर्स्ट केस हमारा क्या बनेगा। मेरा फर्स्ट अप्रोच यह हुआ कि मैंने प्लस प्लस लेकर बनाने का प्रयास किया। शोभित, प्लस कौन हो गया, प्लस 2, यहां पर क्या हो गया आपका प्लस 6, ये ले लिए। बात समझ रहे मेरी बात को, मैंने यह प्लस 2 और प्लस 6 ले लिया, प्लस और प्लस ले लिया। आप देख पा रहे होंगे 7 9 63 दो ज्यादा है, 7 9 63 6 ज्यादा है। तो अब हमें बीच में अगर सिंबल इंटू का दिया है तो हम इंटू करेंगे, तो 2 6 12 इसका आंसर कितना होगा 12। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि जिससे आप डिवाइड करते हैं उससे रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन मैंने 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आ गया, 12 आ गया, तो यह आंसर में मैच नहीं करेगा। तो उस केस मुझे क्या करना चाहिए कि जब अगर रिमाइंडर बड़ा आ जाए, जब मैंने डिवाइड किया और रिमाइंडर कुछ इस प्रकार से बड़ा आ गया तो हमें फिर से डिवाइड करने की आवश्यकता हो जाती है। तो दोस्तों अगर मैं 7 से डिवाइड करूं फिर से 12 को, तो 7 × 7 रिमाइंडर कितना बनेगा यहां पर 5, और यही हमारा आंसर बनेगा। फर्स्ट केस हमारा यह वाला है, फर्स्ट केस क्या कहलाएगा, 12 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा दोस्तों, यहां पर 7 × 7 यानी प्लस 5 और यहां पर माइनस 2, तो रिमाइंडर जो प्लस 5 है वही आंसर होगा। लेकिन माइनस 2 लेकर बोलना चाहते हैं तो माइनस 2 लीजिए और प्लस 7 कीजिए तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, बस सिंपली आपको यह ध्यान रखना है कि 12 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो हमारा रिमाइंडर 7 × 7 कितना बन रहा, 5 बन रहा, और यहां पर मैंने लिख दिया 12/7 यानी रिमाइंडर 5 आ गया। यह फर्स्ट केस के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया। अब बात करता हूं सेकेंड केस में क्या बन सकता है। कोई बच्चा बोलेगा सर कि देखिए हम यह तो जरूर ले रहे हैं, मैं डिवाइड जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैंने प्लस प्लस नहीं ले रहा हूं, मैं अगली बार माइनस और माइनस लेके बनाऊंगा, तो क्या नहीं बनेगा। ऑब्वियसली बना पा रहे होंगे आप, जैसे मैंने माइनस 5 यहां लिया और माइनस 5 हमने यहां लिया, सॉरी माइनस 1 ना बाबू, माइनस 1 लिया। क्यों, चूंकि आप देख पा रहे होंगे 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 9 63 ये ना होगा, और 7 10 70, तो 70 से कितना छोटा है आपका, 5 छोटा है। मैं यहां बात करता हूं 7 9 63 और 7 10 70, 70 कितना छोटा है, -1, तो छोटा है तो माइनस, बड़ा है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब बताइए दोस्तों कि जब हमारा इस प्रकार से बन रहा होगा तो -5 × -1 क्या बनेगा, +5। अब देखिए क्या इसमें कुछ करने की आवश्यकता है, बोलिए बोलिए, क्यों नहीं, चूंकि आपने डिवाइड किया 7 से, आगे कितना आपका 5 आ गया, प्लस में आ गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या कहलाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ये रिमाइंडर हमारा 5 हो गया, ये रिमाइंडर 5 हो गया, यानी फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस हो गया। फर्स्ट केस में मैंने प्लस प्लस यूज किया, सेकेंड केस में हमने माइनस और माइनस यूज किया।
किसी बच्चा के मन में यह प्रश्न आएगा कि सपोज सर हम यहाँ पर माइनस लेके बनाना चाहते हैं, माइनस प्लस लेके बनाना चाहेंगे, तो क्या हमसे बनेगा? जैसे यहाँ पर देखिएगा 65 इंटू 69 डिवाइड मैं कर रहा हूँ कितना से, 7 से। अब मैंने शुरू में प्लस प्लस लिया, माइनस माइनस लिया सेकंड में। अब मैं लेता हूँ प्लस 2 यहाँ पर और यहाँ पर सपोज माइनस 1 लेता हूँ। मेरा मन किया कि अचानक मैं प्लस माइनस लेकर बनाऊँ। ये सब आपको काम करना होगा और तरीके से काम करना होगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को चार तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप किसी एक तरीका को एग्जाम में फॉलो करना है, किसी एक तरीके को आपको एग्जाम में फॉलो करके आंसर को लाने का प्रयास करना है। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर गुना करूंगा 2 से माइनस 1 में क्या हो जाएगा? माइनस 2। बोलिए है ना। अब आंसर माइनस 2 में होता है क्या? क्या करेंगे हम? वेरी गुड, जिसमें हम डिवाइड कर उसको जोड़ दो, 7 माइनस 2 कितना बनेगा? 5। आंसर देखो, चारों अवस्था में एक 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 तीन अवस्था मेरा हो गया। एक लास्ट अवस्था जो बच रहा है, लास्ट केस, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है सर हाँ जो हमने आप लिया यहाँ पर 65 इंटू 69 लिया और डिवाइड किया कितना? 7 से। तो मैंने प्लस माइनस लिया, अगली बार मैं क्या ले सकता हूँ? माइनस और प्लस ले सकता हूँ। तो माइनस यहाँ पर ले लिया और प्लस मैंने यहाँ पर कर दिया। अच्छे, ये भी तो केस बन सकता है, बन सकता नहीं बन सकता है? बन सकता है। अब बताइएगा 6 से अगर मैं गुना करूँ 5 में तो 6 × 5 = 30 माइनस 30 आ गया। यानी कि देखो, सिंबल आपको सिर्फ छोटा या बड़ा शो करता है, सिंबल को आप इग्नोर करेंगे तो आपको 30 से कंपेयर करो कि 30 जो है 7 से बड़ा है कि नहीं है। मैं माइनस 30 नहीं कह रहा, माइनस 30 माइनस को आप साइड कर दो, माइनस को मतलब नहीं रह गया, माइनस सिर्फ दर्शाता है कौन छोटा कौन बड़ा है। ठीक है, सिर्फ 30 को कंपेयर करो कि 37 से बड़ा है कि नहीं है। बड़ा है तो आपको क्या करना है? 7 से इसको डिवाइड करना है। और अभी तुरंत समझाया था कि जब माइनस वाला टर्म को आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या करना है? इग्नोर करना है। किसको? माइनस वाला सिंबल को। बच्चा बड़े सुस्त है ना, बहुत सुस्त है सर। रात में नींद पूरा होगा ना सर? बच्चा लोग का नींद कंप्लीट करना ना, नींद नहीं पूरा होगा तो फिर बच्चा सुस्त रहेगा। देखो यहाँ पर आपका 30 हो गया। अब दोस्तों बताना, मैंने जस्ट बताया था कि जब भी डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि दोस्तों ये 30 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 × 28 प्लस 2 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? माइनस 5 ये बनेगा। अब दोस्तों अब ध्यान देंगे, अच्छा अच्छा प्लस है तो प्लस 2 और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2। और रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है तो हम क्या करेंगे? 7 को ऐड करेंगे, 7 माइनस 2 कितना बनेगा? 5। आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ, माइनस 5 से गुना करूँगा माइनस में, तो यह क्या बन जाएगा? प्लस 5। अब देखो चारों जगह पर एक ए बी सी और ये टी, चार तरीका मैंने आपको दिया दोस्तों, और ये चारों के चारों तरीका आपके लिए इम्पॉर्टेंट तरीका है जो कि आपको काम करने में बहुत सहूलियत हो सकता है। ठीक है, तो अभी सब नोट करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सब याद हो रहा है एकदम माइंड में, सब एकदम याद हो जा रहा है ना, सेव कर लीजिए एकदम, एक ही बार आपको एग्जाम में जाके छाप देना है ना, इधर उधर लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो चलिए अब मैं लेके चलूंगा इस पर क्वेश्चन पर, बिना समय गंवाए हुए मैं बात करने वाला हूँ इस पर वेस्ट, क्वेश्चन कैसे रहेंगे और आपको काम कैसे कैसे करके आपको लाना है आंसर। जैसे सपोज मैंने आपको यह दिया जैसे, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, वेट फॉर जस्ट ए सेकेंड। फाइंड द रिमाइंडर। एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो आप लोग तो आप समझ ही गए होंगे आपको क्या करना है, जानते हैं? यस, आपको इन चारों को क्या करना? गुना करना है, 1, 2, 3, 4 उन इसको इसमें गुना कीजिए, फिर इसको इसमें गुना कीजिए, फिर इसको इसमें गुना कीजिए। गुना करने के बाद कुछ इतना बड़ा आ जाएगा, ठीक है, और साइड में ले जाके फिर 25 से डिवाइड कीजिए। क्या आप इतना एग्जाम में करेंगे? तो ये सब क्वेश्चन पहले नहीं रहता था, ये 15-16 के बाद क्वेश्चंस का पूछने का पैटर्न जो है ना थोड़ा चेंज किया हुआ है।
पहले सब क्वेश्चन नहीं थे आपको, हमको लगता है कि 15, 16, 18 से क्वेश्चन आपको ये ज़्यादा देखने को मिले हैं नंबर सिस्टम में, क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो जो भी चीज़ें जो पहले से कंटेंट जो बना हुआ मार्केट में उसको पढ़ने से नहीं होगा। अब थोड़ा रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन को पैटर्न को समझने का प्रयास करो, PYQ ज़्यादा बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा बनाने से आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, है ना। तो ये आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और मैं क्वेश्चन भी खुद से क्रिएट कर रहा हूँ, मैं फिर PPT के माध्यम से जब करवाऊंगा तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आप देखते के साथ बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसके आंसर कैसे लाओगे, आप क्या इसको रिवाइज करेंगे, आप इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बच्चे बताएंगे फटाफट, कितना बच्चा मोबाइल से गुना कर रहा है सब, क्या इसको गुना नहीं करना है, इसको गुना करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। बताइए विकास कुमार, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल मी, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रगति कुमारी बोले सर मैथ्स पढ़ ले रहे वही बड़ी चीज है, आके आंसर का उम्मीद मत कीजिए मेरे से ऐसा नहीं है ना। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, समझिए यहाँ पर देखिए बच्चा लोग, देखिए मैथ्स जो होता है ना इंटरेस्ट मांगता है, और इंटरेस्ट ये चीज़ें अपना होना चाहिए, मैथ सीखने का जो ललक है ये आपका अपना होना चाहिए। इंटरेस्ट रहेगा तभी उसमें प्रिंसिपल जो रहेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलकर आपका अमाउंट बनेगा। अब इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो प्रिंसिपल जो है आपका प्रिंसिपल ही बन के रहेगा। तो इंटरेस्ट आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी अपने पढ़ाई के प्रति, ये आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। बात समझे मेरी बात को, जिज्ञासा होनी चाहिए। कोई इंसान कहा है, शायद आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा, कि सोया हुआ इंसान को आप उठा सकते हैं जगा सकते हैं, ये सिर्फ सोने का बहाना कर रहा हो उसको कैसे जगाओगे आप। बात समझे मेरी बात को, तो ये मैथ्स में कुछ उसी प्रकार से रूल है कि अगर आप सीखना चाहोगे तो मैं सिखाऊंगा, अगर सीखना ही नहीं चाहोगे आप सिर्फ आ रहे हैं पढ़ के जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ और पढ़ाई करो दम लगाकर। याद रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ध्यान देना साथियों। यहाँ पर मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि कोई भी संख्या 25 से डिवाइड कब होता है, याद रखना हमेशा। तो जब अंतिम दो अंक या तो 0-0 होना चाहिए, या तो 25 होना चाहिए, या तो 50 होना चाहिए, या तो 75 होना चाहिए। जब भी किसी संख्या का अंतिम दो अंक या तो 0-0 होना चाहिए, 0-0 मतलब यह 100 करीब हो गया, 100 हो गया आपका, 25, 50 और 75 अगर है तो वह संख्या हमेशा 25 से डिवाइड होगा, लास्ट का टू डिजिट सिर्फ चेक करना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह बताइए कि 25 यहाँ पर देखिएगा 98 दिखाई दे रहा है, इसके पहले क्या दिया उसे कोई फर्क पड़ रहा मेरे को, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे पहले क्या संख्या दी उसे कोई हमें मतलब ही नहीं है। अब ये देखो 98 जो है वह किसके करीब में है, 100 करीब में। तो 100 के अगर करीब में है दोस्तों तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे उठाओगे, कैसे निकालोगे, ध्यान से समझने यहां पर। 100 है मतलब 25 अगर मैं डिवाइड करूं, बात नहीं कर, आप लोग यहां, आप यहां बैठ जाइए, यहां आइए, आप इधर आइए, यहां बैठिए, और हमेशा ही रहना ना आगे, बच्चा लोग नहीं है ना, थोड़ा सा सिंसियरली दिखाइए आप लोग, क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ बात कर रहा हूँ तो बी क्वाइट सीरियस, राइट, समझिएगा। जब मैं 98 को डिवाइड कर रहा हूँ 25 से, ठीक है, तो 98 मत समझो आप, यह किसके करीब है, 100 करीब है, है ना। तो 100 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, कितना कम है, -2 कम है, तो -2 लिख दीजिए। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ लास्ट का टू डिजिट 76 है, किसके करीब में है, 75 करीब है, तो ज्यादा है कम है, ज्यादा, कितना ज्यादा है, +1, बस यही तो करना था। यहां पर देखिए 49 किसके करीब में है, 50 के, कम है कि ज्यादा है, कम है, तो कम है कितना, एक है। और आगे क्या बच गया, 27 किसके करीब में है, 25 के करीब में है, तो ज्यादा है कम है, ज्यादा, कितना, +2। बन गया क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन यहां से पूछेगा, और पूछेगा तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि आप छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे तो नहीं जी, अगर थोड़ा सा अगर सिंसियर बच्चा है तो छोड़ेगा नहीं। अब समझिए दोस्तों यहां पर कैसे करेंगे हम लोग, तो क्या प्लस में क्या माइनस में आई डोंट केयर, बस जो भी संख्या है अगर बीच में गुना है तो गुना करो, जोड़ है तो जोड़ करो। देखो माइनस कितना बार है देख लो पहले आप, माइनस माइनस प्लस मतलब दो बार है, जब माइनस का पावर या माइनस को गुना, माइनस का पावर अगर ओड में है मतलब माइनस आएगा, अब माइनस का पावर अगर इवन में है तो क्या आएगा आपका, प्लस आएगा, इतना माइंड सेट कीजिएगा।
माइनस का पावर अगर ओ टर्म्स में है, माइनस को जैसे माइनस 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 तीन बार मतलब यूज कर रहे हैं, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन तीन बार, तो माइनस वन आएगा। लेकिन माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन चार बार यूज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस वन। तो मैंने वही चीज़ आपको लिख दिया कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ समझिएगा कि माइनस कितने बार यूज किया गया है, दो बार। तो माइनस से माइनस टकरा के क्या बन जाएगा, प्लस। माइनस माइनस अगर दो बार टकराएगा तो क्या बनेगा, प्लस। और तीन बार टकराएगा तो माइनस। बहुत अच्छा भाई, देखो टकराएगा नहीं टकरा देना है। तो देखिए माइनस और माइनस टकराया, प्लस हो गया। अब प्लस सब के सब हो गया तो कुछ नहीं करना है, दो एक का दो और दो दो नहीं के चार। आंसर लगाइए कितना, चार। और चार इज द करेक्ट आंसर, यही चार इसका आंसर बनेगा। रिमाइंडर क्या बन जाएगा इसका दोस्तों, चार। कैसे क्या मालूम चलो आपको, दो एक का दो, दो दो के चार, चार आंसर। बाय द वे चार से मेरा ज्यादा आता है, पर सपोज तो ज्यादा आता तो हम क्या करते, फिर से डिवाइड करते। मान लीजिए हमारा माइनस चार आ गया होता तो फिर क्या करते, 25 को ऐड कर देते। ये सारी चीजें मैं आपको शुरुआत में ही समझाते समझाते मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ या ना, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो चलिए सबको एक क्वेश्चन बना के दिखाइए सब बच्चे यहाँ पर। जैसे मैंने क्वेश्चन और लिया, सपोज यहां पर मैं ले रहा हूं इसका पूछेगा आपसे लास्ट का टू डिजिट याद करें, लास्ट का टू डिजिट। देखो क्वेश्चन कैसे बना रहा, देखो ध्यान से बाबू लोग। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यह संख्या आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको गुना करना है। क्या करना बाबू लोग, इसको गुना करना है। और गुना करने के बाद सिर्फ इकाई अंग नहीं निकालना है, इकाई तो बहुत जल्दी निकाल पाएंगे आप। पूछ देगा आपसे क्या लास्ट का टू डिजिट निकालो, दिमाग लगाइए। अब लास्ट का टू डिजिट मैं जरूर पूछ रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है कि लास्ट का टू डिजिट बच्चा कैसे निकालेगा। जिस रास्ते से जाएगा लास्ट का टू डिजिट निकालने के लिए, वहाँ पर आपको यह काम करेगा जो अभी तक मैं बताते आ रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों एक बार आप आजमा के देखो फटाफट जल्दी से। मैंने आपसे यहाँ पर इकाई अंक नहीं पूछा मेरे प्यारे साथियों, याद रखना। मैंने यहाँ से आपको इकाई अंक नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा आपसे, लास्ट का टू डिजिट। लास्ट का टू डिजिट मुझे चाहिए। तो कैसे निकालोगे ध्यान से, बच्चे वहाँ निकालेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और इसका आंसर क्या आएगा, मैं चाहूंगा कि आप जितना जल्दी बनाएंगे मैं आपको उतना जल्दी लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा फटाफट। क्या सही बच्चों क्वेश्चन दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा। लास्ट में 1949 है, यह 1949 है, ठीक कर लेना, 1949 है। यहां से दिख रहा होगा 98751। चलिए मात्र एक बच्चा बना लिया अभी तक, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रगति कुमारी। आगे आंसर कितना है सुमन, 17। किसका 17 आया, बच्चे बहुत अच्छे तेज हो गए हैं नहीं सब। यथाशीघ्र जल्दी बनाने का प्रयास करें आप, मैं थोड़ा समय इसलिए दे रहा हूं ताकि देखो कुछ क्वेश्चन अभी बनाओगे तो थोड़ा मन लगेगा आपको भी काम करने में ना। सभी के सभी क्वेश्चन नहीं है डिस्कस कर दो दोस्तों तो फिर चीजें हमारे लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए फिर वही डिफिकल्ट के डिफिकल्टी रह जाएगा। तो देखो नो डाउट आपको काम करना है, थोड़ा मेरे को भी काम करना है। एक कदम मैं चलो तो एक कदम आपको भी चलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, गुड। चलिए बताइए विनय कुमार इसका आंसर क्या देंगे आप। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि पता करने के लिए आपका ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान इधर दीजिए। आपका ऋषि कुमार कितना आंसर आएगा इसका, पढ़ाई के दरमियान में पूरी फोकस आपको बोर्ड पर होना चाहिए कि मास्टर या टीचर जो भी है वो क्या पढ़ा रहे हैं आपको। मैं सारे के सारे चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, अभी सब कुछ इसी पर बेस्ड होगा। देखो आप यहाँ पर करना क्या है ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, यह जो संख्या है
जब भी किसी संख्या का लास्ट टू डिजिट निकालती है, ध्यान सुनिएगा यस, जब भी किसी संख्या का लास्ट टू डिजिट निकालने बोलेगा तो वह कुछ और नहीं, यह इनडायरेक्टली बोलता है कि आप उस संख्या को 100 से डिवाइड कीजिए। किसी भी संख्या को अगर पूछेगा इसका इकाई अंग निकालो, तो इकाई अंग निकालने के लिए किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मैं आपसे यह कहता हूँ, मान लीजिए यह इतना 39 है, इसका इकाई अंग कितना है? 9 है। अगर मैं पूछता हूँ लास्ट का टू डिजिट कितना है इसमें? 39 है। तो मैंने क्या किया, कैसे मालूम चलेगा? अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ 100 × 200, 39 रिमाइंडर आया कि नहीं आया? और जो रिमाइंडर बचा वह इसका लास्ट टू डिजिट है कि नहीं है? अगर हम लेते हैं 576 लेते हैं, अब इसका लास्ट टू डिजिट क्या है? 76 है। लेकिन अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो 100 × 5 = 576 बचा कि नहीं बचा? 76। तो किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के फलस्वरूप जो संख्या बचता है वह हमारा कुछ और नहीं बल्कि उस संख्या का लास्ट टू डिजिट होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अगर पूछेगा कि संख्या का इकाई अंक निकालो, इकाई अंक निकालें, तो इकाई अंक निकालने के लिए उस संख्या को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर 129, इसका इकाई अंक कितना है? 10 है। अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, 10 × 10, 10 × 20, 9 बचा कि नहीं बचा? जो रिमाइंडर बचता है वह क्या बचता है? उस संख्या का इकाई अंक बचता है। तो इतना जरूर माइंड में शिफ्ट कर लें, नंबर सिस्टम के दरमियान जगह पढ़ रहे हैं तो, किसी भी संख्या को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के फलस्वरूप अगर आपका जो रिमाइंडर बचता है वह उस संख्या का एनी डिजिट कहलाता है, ठीक है। अगर किसी संख्या को अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के दरमियान यानी फलस्वरूप अगर आपका लास्ट का कुछ रिमाइंडर बचा, लास्ट का टू डिजिट ही आपका कहलाएगा, उसका संख्या का रिमाइंडर कहलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर मुझे रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है या ये तो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है यार, तो कैसे डिवाइड करेंगे, लास्ट का टू डिजिट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो संख्या है यह आपका रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है, लेकिन यह खुलकर आपको नहीं बोला कि इतना से डिवाइड करो। यह आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि जब किसी संख्या को अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के फलस्वरूप जो रिमाइंडर बचता है उस संख्या का लास्ट टू डिजिट ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कितना से डिवाइड करना है? इसको 100 से डिवाइड करना है। अब 100 से डिवाइड जैसे ही हमने करेंगे तो डिवाइड करने के दरमियान में जो रिमाइंडर बचेगा उस संख्या का लास्ट का टू डिजिट कहलाएगा। मान लीजिए मैंने 100 से डिवाइड किया और हमारे पास 2 बचा, ये तो फिर सिंगल आ गया। तो जब भी ऐसा हो कि सिंगल डिजिट बचेगा तो 0 अपने मन से लगा लीजिएगा, अपने मन से 1 0 लगा, इधर मत लगाना, इधर लगाना है, इसके आगे लगाना है। मान लीजिए हमारा 4 आ गया तो क्या लगाएंगे हम लोग? 0 4, इसका लास्ट का टू डिजिट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपसे यह कहा कि अगर आप 100 से अगर संख्या को डिवाइड करते हैं, सपोज ये संख्या अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं, देखिए प्रगति कुमार इधर ध्यान दीजिए ना बाबू, 100 से डिवाइड करती हैं तो 100 से डिवाइड तुरंत मत करने लग जाना, पहले यह देखो कि क्या कुछ इसमें कुछ अलग से दिमाग लगाया जा सकता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर यह लिख दूँ, एक सेकेंड, 4 से मैं कट कर दूँ, 19 × 76, 25 × 100, क्या मैं ये बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। अभी जस्ट मैंने बताया था ना कुछ देर पहले कि मैं उसको सिमिलवाई भी कर सकता हूँ और लास्ट में जितना आएगा फिर उतना से क्या करेंगे हम उसको गुना कर सकते हैं। तो मैंने कितना से कट किया इसको? 4 से। तो याद रखना है कि मुझे 4 से क्या करना पड़ेगा फिर लास्ट में? गुना करना पड़ेगा। पहले मैंने लिख दिया है कि मैंने इस पूरी संख्या को, हम ये देख रहे हैं कि मैंने 4 से इसको छोटा कर लिया है। अब मैं अभी जस्ट बताया कि जब इस संख्या को अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या क्या देखना पड़ता है? 00 25, लास्ट का टू डिजिट 00 25 50 और 75। तो अब यहाँ पर देखिएगा, लास्ट का टू डिजिट ध्यान रखिएगा, इसके पहले क्या दिया कोई मतलब रहा क्या हमारे लिए? नहीं, सिर्फ लास्ट का टू डिजिट ध्यान रखिएगा। तो अगर 51 है, किसके करीब में है? हमने ही नहीं बताया था 00 25 50 और 75। तो ये 00 25 50 75 किसके करीब में है? 50 के करीब में है। तो 50 से ज़्यादा ही कम है, +1 कर देंगे, ज़्यादा है। तो अब देखो 76, यह कितना हो गया आपका? 76 किसके करीब में है? 75 करीब में है। तो +1 कि -1? +1, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर 19 है और यह 25 है, तो 19 को 25 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर ओनली से लिख सकते हैं, लेकिन मेरा मन हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अरे माइनस छः लिख सकता हूँ ना मेरे भाई। अरे 19 को जब 25 से डिवाइड करेंगे, सब बेसिक में समझाया कि इसीलिए ना कि जो छोटा है वो तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस छः होगा कि नहीं होगा, दोनों को ऐड करने पर 25 आएगा ना बाबू, तो माइनस छः कर दूंगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि डिजिट जितना छोटा ले सकते हैं उतनी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब मैं यहाँ बात करता हूँ 98 लेता हूँ तो किसके करीब में है? 100 करीब में है, तो माइनस टू प्लस टू माइनस टू, और लास्ट में कितना है? 49। वेरी गुड, बच्चा समझदार है, सब समझ गया, माइनस वन हो गया। अब आ जाइए माइनस प्लस का लड़ाई कर लेते हैं। माइनस अगर ओड टाइम्स होगा, मतलब विषम संख्या टाइम्स होगा, तो हमें आपको माइनस रखना पड़ेगा, और माइनस अगर इवन टाइम्स होगा तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। माइनस काउंट कर लो कितना बार है, 1 2 3, मतलब आंसर आपका माइनस में आने वाला है। ये फिक्स कर लिया कि आंसर क्या में आएगा, इसका माइनस में आएगा। चलो ठीक है जी, तो अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, आप पहले से ही जानते आ रहे हैं। सपोज ऋषि कुमार, मैंने आपको यहाँ पर यह कहा कि अगर माइनस में आंसर आएगा, क्यों माइनस माइनस और माइनस तीन बार आएगा, तो वन को वन में गुना करेंगे वन आएगा, ठीक है जी। 6 × 12 और 12 × 12 मतलब क्या जाएगा? माइनस 12। क्या यह आंसर हो गया? नहीं होगा। अब क्या करेंगे बाबू हम लोग? प्लस 25 करेंगे। वेरी गुड, यहाँ पर हम प्लस 25 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 13। अब 13 आंसर हो गया नहीं? हाँ, अब जिससे इसका यूज लास्ट में करना जब आप आंसर देने वाले हो। 13 हमारा जब आंसर आ गया तो 13 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने 4 से क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया है, तो 4 से हम क्या करेंगे यहाँ पर? गुना करेंगे, और 13 × 54 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा कहलाएगा लास्ट का 2 डिजिट। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे अग्निवीरों, याद रखना कि एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो बेसिक चीज़ आपको बहुत काम आएगा, अदरवाइज ये गुना करके डिवाइड करने लगे तो समझ जाइए कि आपका समय कितना वेस्ट होने वाला है, ठीक है? तो याद रखना, ये गुना करने की आवश्यकता नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताया है वो आपके बहुत काम आने वाला है, और ये सब चीज़ें आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो प्लीज़ इसको आप रफ कर लेंगे सभी बच्चे फटाफट। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? पर सबके सब मैं आपको व्हाट्सएप या किसी माध्यम से मैं कर देता हूँ आपको, डोंट वरी। और अभी मैं एक क्वेश्चन आपको देके देखता हूँ कि कितना जल्दी आप बनाकर यहाँ पर दिखा रहे हैं मेरे को, ठीक है बाबू लोग? चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। यथाशीघ्र आप इसका रिमाइंडर निकालिएगा, रिमाइंडर। अब अच्छा बोलेगा सर पहले तो 25 से डिवाइड करवा रहे थे, अब यहाँ तो 19 दे दी, आप 19 का क्या रूल होता है, समय तो अलग अलग आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, गुस्सा में मैथ्स को मत देखना ना, गुस्से में मैथ्स को देखेंगे तो फिर आप रिफ्लेक्ट करेगा, चूंकि यह बोर्ड है रिफ्लेक्शन वाला, और फिर गुस्सा आप ही के ऊपर चला जाएगा, है ना? गुस्सा से मैथ्स को नहीं देखते, बहुत प्यार से देखिए, बहुत जल्दी आपसे मैथ बनेगा। गंजू ना, चलिए बनाइए फटाफट फटाफट, ये था शीघ्र बनाने का प्रयास कीजिए सही बच्चे। मैंने आपको क्वेश्चन मेंशन किया है बोर्ड पर, 1958, 1975, 1993 और यहाँ पर 17 दिया है, और डिवाइड करना 19 से, तो बहुत सिंपल है, आप सबको गुना कर लीजिए फटाफट, गुना कीजिए और 19 से डिवाइड कीजिए, ऐसे कर दिए तो फिर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं आपको समय दिया हूँ, आप लोग भी थोड़ा जल्दी बनाइए फटाफट, क्वेश्चन देखिए और ध्यान से। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने जरूर प्रयास किया होगा, भले भले बने या ना बने बात अलग है, लेकिन प्रयास किया मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है।
आपका ये मेहनत जरूर आगे रंग लाएगा, है ना, जितना मेहनत किया है मोर देन सफिशियंट है। अब इधर ध्यान दीजिए यात्रीगण, कृपया ध्यान दें, यहाँ पर आपको करना क्या था, एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसी समय का तो बच्चा का इंतजार होता है कि सर सर कब बोलेंगे कि इधर ध्यान दीजिए। देखो जब 19 से डिवाइड करते हो आप, समझिए, यस, अगर 1958 है बाबू, क्या मैं 1958 को 19 से डिवाइड करने से पहले यह मैं कह सकता हूँ क्या कि 1900 प्लस 58 और मैं 19 से डिवाइड करूँ, बोलो हाँ ना जी आप लोग। तो आप ये देखेंगे 19 से 1900 पूरा पूरा कट जाएगा, बोलिए हाँ ना। जब भी सेटर जब क्वेश्चन सेट करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारा प्रश्न चलता है कि बच्चा का इंटेलिजेंसी लेवल कितना हाई है, वो समझना चाहेगा कि 1900 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर बचा नहीं। तो वह पूरा का पूरा ध्यान कहाँ लगाना आपको, 58 पर, कि अगर 58 को डिवाइड करता 19 से तो 19 या 57, 57 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 1, समझे मेरी बात को। तो जितनी भी संख्या है सब के सब क्या है, 19 से है, तो 1900 तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो 1900 पूरा पूरा कट गया तो हमारा जो नहीं कटने वाला टर्म है वह कौन संख्या है, तो 58, बोलिए है ना, 58 है। तो 58 को अगर डिवाइड करेंगे अगर 19 के, तो 19 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 20 तक हम बार बार कहते हैं कि एटलीस्ट 20 तक बच्चों को पहाड़ा यानी टेबल याद हर एक हाल में होनी चाहिए। लेकिन कई बच्चों को 12 तक पहाड़ा याद है, उससे ज़्यादा याद नहीं होते हैं, 12 तक से काम नहीं चलेगा ना, 12 तक भी आपको उसमें देखेंगे तो 11-9 में भूल जाएगा सब। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ 19 या 57 यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्लस 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा 75 दिया, 19 6 76, इसको 19 को ध्यान नहीं देना है क्योंकि 1900 जो 19 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो कौन डिवाइड नहीं हो रहा मेरा 75, तो 19 6 76 कम है कि ज़्यादा है, कम है, 76 से कम ना है, तो -1 कर दीजिएगा। 19 5 95, तो 95 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो -2 कर दीजिएगा। अब बच्चा लोग धीरे धीरे पकड़ना स्टार्ट कर दिया, ये चीज़ आपको काम करना एग्जाम में। अब देखो 17 है तो इससे छोटा है, हम चाहें तो 17 लिख सकते हैं इसका रिमाइंडर, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा डिजिट छोटा हो, तो 17 जो 19 से कितना कम है, -2 कर दीजिए। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि वैल्यू हमेशा छोटा जितना हो सके उतना करना आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बताना आप लोग कि जब इसका आप आंसर निकालने जा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देखना स्टार्ट हो चुका होगा, माइनस को पहले ध्यान रखो, माइनस कितना बार यूज किया गया दोस्तों, 1 2 3, मतलब क्या माने वाला है, माइनस, वेरी गुड, बहुत सुंदर, यहाँ पर आपका माइनस में आने वाला है। अब जो भी संख्या दी हुई उसको गुना कर दीजिए आप, तो 1 से 1 में गुना करें एक ही होगा और 2 2 के 4 आएगा, मतलब -4। क्या आंसर -4 में हम लोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वाह कितना अच्छा बच्चा, लो सुगा लियर बोलता है सब। 1904 कितना हो जाएगा, 19 में 4 का कितना हो जाएगा, 15। अब 15 में कुछ गुना करेंगे क्या हम लोग, नहीं, मैंने किसी को कट ही नहीं किया है, लास्ट में हमारा आंसर यही होगा 15। कुछ दिमाग में स्पष्ट आ रहा है, सब कुछ स्पष्ट होगा, हो थोड़ा सा आपको समय लग रहा है, शुरुआत में जो बेसिक मैं नहीं बताता तो यह काम करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती थी। एक क्वेश्चन और देख के देखो, चलिए वेरी गुड, एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए, क्वेश्चन को मैंने अपने से सेट किया और मैंने आपको बोला यहाँ पर रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर इसको गुना करना है दोस्तों, और मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए, इसका रिमाइंडर चाहिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, जेएससी, सीमैट, है ना, सीयूईटी जो एग्जाम्स होता है, कहीं भी आप बैठते हैं, इस प्रकार के प्रश्न अगर आएगा तो यकीन मानिए आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आप जल्दी से करके दिखाएंगे, अब ऐसे नहीं करना है कि सभी संख्याओं को गुना करें फिर इसको
गुना करने के बाद 17 से फिर डिवाइड करें, उतना अगर जहां करने लगे तो फिर दोस्तों ये पूरा पूरा संख्या क्या हो जाएगा, बहुत समय लेगा काम करने में आपको। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। चार, वेरी गुड। और कोई बच्चा लोग? सात आएगा। सबका आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए था। चलिए फटाफट, मैं उम्मीद करता दोस्तों आप सही बच्चों से आंसर आ चुका होगा अब तक और बना पा रहे होंगे बहुत आसानी से आप लोग। तो ये इस प्रकार से रिमाइंडर है, इस प्रकार से काम करना होगा आपको। तो इसमें थोड़ा सा रिमाइंडर में क्या है ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा प्रोसेस को। तो मैं एक दो क्लासेस में पूरी कोशिश करूंगा इसको एंड करने का, लेकिन मैं जितना अप्रोच लगाता हूं कि जितना भी प्रकार के प्रश्न पूछे इस प्रकार से तो क्वेश्चंस आपसे न छूटे, मेरी पूरी प्रयास यही रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा समय देकर आपको काम को करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहां पर आपको कैसे लाना होगा, आप सभी बच्चों का आंसर कितना आया, आप सभी बच्चों का आंसर कितना आया बाबू यहां पर? नहीं बोल रहे हैं? सेवन, वेरी गुड। आप लोग के बाबू लोग? तेरह आ रहा है। फुल कुमारी लोग? तेरह आ रहा है। आइए बात समझिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, अगर आपने तेरह लाया है तो जरूर कुछ ना कुछ सही सोच के ही लाया होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बच्चे, पहले ये देखो कि 17 से मुझे डिवाइड करनी है, तो 1767, 1700 क्या लिख सकते हैं इसको, 67 बटे में 17, तो यह तो पूरा पूरा कट जाएगा हमारा। अगर मैं 17 से इसको डिवाइड पूरा पूरा कट गया, तो अगर मैं 17 को डिवाइड करता हूँ कितना से, इसको 67 को 17 से, तो 17 चौके 68 माइनस 1, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 1। पूरा फोकस यहाँ पर कीजिए। अब देखो 34 51 इधर उधर 17 से कटने वाला है, 3400 रहेगा, 34000 रहेगा, नहीं कटेगा, सबके सब कट जाएगा, 5100 है, 5100 भी कटेगा। लेकिन जब बात करते हैं 19 की, तो 19 नहीं कटने वाला है, क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ए भी कट रहा हो, ए भी कट रहा हो, देख रहे ना पूरा बड़ा कट जा रहा है, तो जो को नहीं कट रहा होगा 19 नहीं कट रहा, ठीक है जी। 17 से कट जा रहा है, 17 5 85 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 कर दिए, चूंकि 17 17 119 ये कट रहा होगा पूरा, लेकिन हमारा यह नहीं कट रहा, ठीक है जी। लास्ट में क्या हमारा है, 15, वेरी गुड। लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 2। इस प्रकार के प्रश्न आपको हम पीडीएफ के माध्यम से मैं शेयर करूंगा, आप जरूर इस पर प्रैक्टिस करना जम के, है ना। अब रही बात इसका आंसर क्या देंगे आप, दोस्तों आप एक बात बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या देंगे आप लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले यह काउंट करो कि माइनस कितने बार यूज किया गया है, 3 बार यूज किया गया है, तो आंसर इसका माइनस माने वाला है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, माइनस लिख दिया। अब रही बात गुना करो, तो 1 का कोई तो जरूरत है नहीं, 2 से गुना करेंगे 2 में क्या बनेगा, 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 4, माइनस या माइनस प्लस माइनस और माइनस, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस कितना बार है, 1 2 और 3 बार है, तो माइनस में रहेगा, और टर्म्स कितने हैं, 2 और 2 4, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस वन को गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस 4। आप देखो आंसर माइनस 4 लगाएंगे क्या हम लोग, क्या करेंगे बाबू लोग, हम लोग 17 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 13, इज द करेक्ट आंसर। विजन क्लियर है, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है बच्चों को, सोवियत संघ रूस, कोई दिक्कत, पक्का ना, वेरी गुड। तो यह समस्या यहाँ पर किसी बच्चों को नहीं होना चाहिए। और आपको मैं एक चीज़ और याद दिलाता हूँ कि अगर कभी प्रश्न कभी घुमा के इस प्रकार से पूछते, कभी आपने फैक्टोरियल का नाम सुना है, फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए बोलेगा फैक्टोरियल 5 है, ठीक है बाबू, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 का मतलब हो गया 5 4 3 2 1। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं या अब इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, दोनों सेम चीज़ें है ना, तो यह हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं फैक्टोरियल 5 को, यह मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। इसका मतलब यह होगा कि 5 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं, तो 5 और 20 या 60 दिन 120, यहाँ पर 120 लिखते हैं, इसका मतलब यह होगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज मैं लिख दिया फैक्टोरियल 9, ऐसे लिख दिया, या मैं 9 को ऐसे कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि 9 को घटते क्रम में कहाँ तक ले जाओ, 1 तक, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार से।
एफ हो गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का हिंदी क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? फैक्टोरियल का हिंदी क्या होता है? हिंदी मीडियम से कोई बच्चा पढ़ा कि नहीं? हिंदी मीडियम से कोई नहीं पढ़ा, सब इंग्लिश में है। वाह, इसको बोलते हैं क्रम गुणित, क्रमित गुणित, क्रम गुणित, गुणित, क्रम गुणित, क्रम गुणित के नाम से हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल को। तो दोस्तों इस पर कभी कभी प्रश्न इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप अवॉइड करके नहीं जाएं एग्जाम में। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको रखनी चाहिए कि फैक्टोरियल से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है तो बहुत आसान होता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। आप आओ मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे जैसे यहाँ पर रहेगा फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फाइव, और इस प्रकार से यह आपको दिया रहेगा फैक्टोरियल थाउजेंड। ठीक है, या आपको ऐसे भी दिया सकता है कि फैक्टोरियल इस प्रकार से सिंपल वही रहेगा, दोनों सेम चीजें हैं ना, इसलिए घबराने की प्रयास मत करना, दोनों सेम चीजें हैं। और यहां पर इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, पूछेगा क्या आपसे कि इसका इकाई ज्ञात करें, का मैं इधर लिख दे रहा हूं, का इकाई अंग याद करें, इकाई अंग याद करें। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है इसमें क्वेश्चंस का आंसर क्या लाना है, इकाई अंग। इकाई अंग बोले तो एनिट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट हमें चाहिए, यह चाहिए। या तो यह प्रश्न ऐसे रहेगा या तो यह सिंबल इस प्रकार से लिया रहेगा, दोनों प्रश्नों का, दोनों प्रश्न में कोई फर्क नहीं है, याद रखिएगा ऐसे प्रश्न रहेगा। लेकिन पूछेगा क्या आपसे कि इसका इकाई अंक आपको निकालना है, हाउ कैन यू फाइंड अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रश्न। फटाफट दोस्तों कीजिए, फटाफट जल्दी से प्रयास कीजिए इसका आंसर लाने का। मैं थोड़ा समय दे के देख रहा हूं कि आपकी अप्रोच क्या रहेगी। अब यहां पर समझिएगा, जैसे कि मैं चार लिखता हूं तो चार को लिखूंगा तो चार के बाद तीन के बाद दो के बाद फिर एक हो जाएगा, फिर पांच लिखेंगे फिर पांच चार तीन दो एक होगा, फिर छह लिखेंगे लास्ट में कहां तक, थाउजेंड तक, थाउजेंड के बाद घटाते 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 कहां तक जाना पड़ेगा, एक जाना पड़ेगा। तो क्या आप एग्जाम में इतना करेंगे? और मुझे इसका इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक के लिए क्या कर सकते हैं ऋषि कुमार, कुछ दिमाग में आ रहा है इसका इमेजिनेशन कुछ? विकास कुमार, हाँ जी, क्या बात है, जीरो को पकड़ना है ना, जीरो को पकड़ना है, सुन रहे बच्चे लोग, जीरो को पकड़ना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ें पढ़ाई गई है उसको अच्छे से रिकॉल करो, अच्छे से पढ़िए। अब नहीं पढ़ेंगे आप लोग भी ना, तो एक सप्ताह में फिर चीज़ें वहीं से वहीं निकल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि टंकी में पानी भरने से पहले यह चेक करो कि टंकी से पानी लीकेज तो नहीं हो रहा है, अगर लीकेज अगर हो रहा है तो ऊपर से डालने से कोई फायदा है? पहले लीकेज को बंद करो तब जाकर पानी डालोगे, अदरवाइज फिर सारा का सारा पानी क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगा। तो मेरा कहने मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें आपको समझाई जा चुकी है पहले भी, और अगर आप नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा और फिर से समझाता हूं। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक समझाऊंगा, लेकिन आखिर कब तक, एग्जाम में आपको खुद जाना है तो प्रयास आपको खुद करनी है। अभी जस्ट मैंने आपको याद करवाया, मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या का अगर आपको दहाई अंक यानी कि लास्ट का टू डिजिट चाहिए तो क्या करवाए थे आपको, 100 से डिवाइड कर, लास्ट का टू डिजिट अगर आपको चाहिए तो 100 से डिवाइड करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए अर्थात एनी डिजिट चाहिए तो 10 से डिवाइड कर। तो कभी कभी एग्जाम में जो है ना वो खुल के नहीं बोलेगा कि 10 से डिवाइड कीजिए, वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि जबकि संख्या का इकाई अंक निकालना है तो SSC हमसे डायरेक्ट यह कहना चाहती है कि क्या आपको पता है कि जब किसी संख्या को 10 से डिवाइड किया जाता है तो कुछ और नहीं बल्कि उस संख्या का लास्ट डिजिट अर्थात इकाई अंक ही आता है। यह आपको दिमाग में सेव रखना होगा। भाइयों बहनों, यह माइंड को आपको सेट करके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर आपको या कहना चाह रहा कि आप यहां पर क्या करो, 10 से डिवाइड करो। अब 10 से डिवाइड करने के फलस्वरूप जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा
इस संख्या का इकाई। कई सारे बच्चे तो यह भ्रम में हो जाते हैं कि यह एनी डिजिट का प्रश्न है। नहीं, यह एनी डिजिट का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है रिमाइंडर थ्योरम का। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। समझिए, मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब बताना दोस्तों कि फैक्टोरियल 1 अगर दिखाई दे रहा है तो 1 का मतलब कितना, 1, 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस 1। बोलो हाँ। yes, अब 2 है तो 2 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 1 मतलब 2 ही होगा। तो जब 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस 2 ही आएगा। चूंकि ऊपर में छोटा वैल्यू है, नीचे बड़ा वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बात करता हूँ 3 पर, देखिएगा 3 पर, 3 को करते हैं तो 3 2 और 1 आएगा, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, या तो प्लस 6 लेंगे या तो माइनस 4 लेंगे। क्योंकि अगर आप 6 को डिवाइड करते हैं 10 से तो या तो प्लस 6 लेंगे या तो माइनस 4 लेंगे। किसको ले, प्लस को लेते हैं। चलो ठीक है जी, मैंने प्लस 6 को ले लिया प्लस 6 को। अब रही बात 4 को, तो 4 क्या होता है, 4 के बाद 3 गुने 2 गुने 1 इन होता है, 4 3 12 दूनी के 24, 24 को डिवाइड करो 10 से कितना आएगा, बोलो जी, प्लस 4, मैंने प्लस 4 ले लिया यहाँ पर। बोलो हाँ ना। लेकिन जैसे ही 5 में इन करेंगे हम लोग, तो वहां से मन ही मन खुश हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि 5 का मतलब क्या हो गया, 5 4 3 2 1 मतलब 120 आ चुका होगा। और 120 को जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जोर से बोलो जी, 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। यानी कि जब भी प्रश्न में डिवाइड करने के फलस्वरूप अगर 0 बचे तो इतना खुश हो जाना कि किसी को नहीं मालूम चले ये आंसर आपने बना लिया है। दोस्तों ये आंसर तुरंत आ गया यहाँ पर आंसर, क्यों, जैसे ही 0 आया मतलब आगे डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं, सब के सब 0 आने वाला है। क्यों, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तो हर एक टर्म में तो फैक्टोरियल 5 तो रहेगा ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं 6 के लिए, 6 के लिए तो 6 कैसे बनेगा, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 तो है ही रहेगा ना जी। तो 5 में तो 0 आ गया है, तो 0 से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर हम मान लीजिए 7 को लेते हैं, तो 7 लेते हैं तो 7 6 और यहाँ पर 5 तो रहेगा ही रहेगा ना मेरा, तो 5 में तो हम 0 ले आ चुके हैं। तो आगे वह हजार तक नहीं, 10,000 20,000 लाख तक भी दिया रहेगा ना, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। यानी सब के सब आगे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको यह जानना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर आपने डिवाइड किया इस प्रकार से तो इसका आंसर आप क्या क्या आ गया आपने तुरंत देख लिया होगा। लेकिन अब इसका आंसर मुझे अब देने का टाइम आ गया है, तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर क्या आएगा आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आने वाला है, ध्यान दो, 6 4 10 दो 12 और 1 13, बीच में प्लस ना है तो गुना मत कर देना, 4 6 10 दो 12 और 1 13। क्या 13 आंसर मार दे, नहीं, क्यों, क्योंकि आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के दरमियान में अगर 10 से बड़ा आएगा तो उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर, इसका 3 आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा वही संख्या जो है इस संख्या क्या कहलाएगा, इकाई कहलाएगा। यही हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। कोई समस्या किसी बच्चे को है, तो जब भी इस प्रकार से रेकरिंग पर अगर प्रश्न पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखना है ना कि अगर उसका इकाई निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब इंडायरेक्टली यह कह रहा है कि आप उस संख्या को 10 से डिवाइड करो। और कैसे मैंने 10 से डिवाइड किया, आपके सामने डिवाइड किया हमने यहाँ पर, जैसे 3 के लिए मैंने क्या लिया था, 3 2 1 6 लिया था, तो 6 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर या तो प्लस 6 होगा या तो माइनस 4 इन होगा। तो मैं अगर यहाँ पर माइनस 4 लिया होता तो क्या होता, तो माइनस 4 लिए होते तो माइनस 4 और प्लस 4 मेरा कट गया होता। तो इस केस में 2 और 3, 2 और 1 कितना बनता है आंसर, 3, 2 और 1 यही बचेगा हमारे पास, 3 और 3 हमारा आंसर आ गया होता। तो आप किसी भी वे में जाएंगे, किसी भी वे में किसी भी तरीके से बनाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यकीन मानिए। एक क्वेश्चन आपको बनाना है और मैं इस क्लास को अभी यहाँ पर इसको एंड करूँगा। तो एक क्वेश्चन आप मेरे करके दिखाओ, अगले क्लास में मैं इसके नेक्स्ट टाइप के प्रश्न लाने का प्रयास करूँगा जो कि पावर पर बेस्ड होगा। जैसे यहाँ पर रहेगा 5 का पावर 500 डिवाइड बाई 500, क्या शेषफल आएगा, क्या शेषफल आएगा, शेषफल
यह पूछेगा आपसे सेसफल क्या आएगा, 5 का पावर 500 मैंने 5 का पावर कितना बार लिखना है 500 और डिवाइड करना कितना से 500 से, कोई समस्या। 7 का पावर 512 डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर मान लीजिए 512 से, रिमाइंडर कितना आएगा है ना। 32 का पावर 33 + 1 को डिवाइड अगर हम मान लीजिए करते हैं सपोज 32 से, रिमाइंडर कितना आएगा। तो इन सब चीज़ों पर मैं डिस्कस करने के लिए मैं अगली क्लास में आपको इनवाइट करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी मैं एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं जो कि किस पर है, फैक्टोरियल पर है। तो यह प्रश्न आपको जल्दी से करके दिखाना है और इसका आंसर लाने का जल्दी से प्रयास करना है। 1 + 2 + 3 + 4 और इस प्रकार से मैंने यहाँ तक 100 तक लिया मेरे प्यारे साथियों और डिवाइड मैं करवा रहा हूँ आपको 12 से। बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 मैं लिया यहाँ पर 1000 से और मैं डिवाइड करवा रहा हूँ सपोज यहाँ पर कितना से 8 से, रिमाइंडर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 1000 इस प्रकार से और डिवाइड करवा रहा हूँ सपोज यहाँ पर 15 से, रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आपको दिया है। आप इसको आराम से घर में जाने के बाद इसको ट्राई कीजिएगा, यह आपसे प्रश्न बिल्कुल बनेगा है ना। मैं एक क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखो ये तुरंत पकड़ने का प्रयास करो आप कि 12 कहाँ पर आएगा, 12 हमारा कहाँ पर आएगा, तो इसी में ना आएगा बाबू आपका 12, जैसे 4 आएगा तो 4 के बाद 4, 3, 2, 1 करेंगे तो 12 आएगा ही 12, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। बस ये पकड़ना है कि 0 हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 12 कहाँ से मिलने का चांस है, 4 से मिलने के बाद, 4 के बाद 3 और जिस 4 से 3 में गुना करेंगे 12 आएगा, तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा ही बचेगा, बोलिए हाँ ना। 4 को मैं करता हूँ तो 4, 3, 2, 1 4 3 12 24 तो 24 को जो 12 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 बचेगा, तो यहाँ पर 0 आ गया मतलब आगे हर टर्म में क्या आएगा, 0 आ गया ठीक है। अब रही बात यहाँ पर देखना, तो यह प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा या प्लस 2 रहेगा और ये 3 है तो 3 दूनी के 6 तो प्लस 6 ले सकते हैं या माइनस कितना ले सकते हैं, माइनस 6 ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा 6, 2, 8, 1, 9 आंसर मारे थे 9 क्या आप लोग, बहुत अच्छा बात समझे। उसी प्रकार से हमारा 2 प्रश्न और है जो आपको घर में बनाने के लिए मैं आपको होमवर्क दिया हूँ, आप इसको जरूर ट्राई करना, प्लीज आप इसको नोट कर लें। यहाँ पर 1 से लेकर कहाँ तक दिया मैंने दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिएगा 1 से लेकर मैंने 1000 तक दिया है और डिवाइड किससे करवाया है, 15 से करवाया है। आपको इन दोनों प्रश्नों का आंसर लाना है अगले क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो सेशन होगा दोस्तों वह पावर पर बेस्ड, पावर का पावर से रिलेटेड अगर प्रश्न अगर पूछे एग्जाम में तो कैसे हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, उन सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगले क्लास में। तो वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करना चाहता हूँ और मिलूंगा दोस्तों मैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिए ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।